हाँ बच्चों नमस्कार, मैं डॉक्टर विद्यार्थी चंद्राकर आप सबके बीच में हूँ और मैं आज आप सभी को अपनी बातों के माध्यम से और पाठ के माध्यम से छत्तीसगढ़ का दर्शन आपको करवाती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पाठ का नाम ही है आज छत्तीसगढ़ का दर्शन। ठीक है, तो आप अपनी पाठ खोल लीजिएगा और हम देखते हैं कि इस पाठ के माध्यम से आपके लिए कौन कौन सी बातें दी गई है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पाठ हम शुरू करें। अच्छा, आप सभी ने छत्तीसगढ़ देखा है? छत्तीसगढ़ देखा का मतलब आप जहां रहते वहां तो देखा ही होगा। क्या पूरा छत्तीसगढ़ आपने देखा है? देखा है, बहुत सही। किसमें और कैसे? नक्शे में। अरे वाह, क्या बात है, बहुत शानदार उत्तर। तो नक्शे में तो आपने छत्तीसगढ़ को देखा ही देखा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहुत विविधता है बच्चों। इसी विविधता की बात वो यहाँ पर लेखक मंडल के द्वारा या लेखकगण के द्वारा वो गिरा गया है, मतलब दिया गया है। तो हम जरा क्रमबद्ध रूप में छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करें। हाँ, सबने खोल ली, बहुत बढ़िया। तो क्या है, कक्षा छठवीं है ना? हाँ ठीक। कोई सातवीं पुस्तक तो नहीं उठा लिए हो? नहीं, बिल्कुल ठीक। छत्तीसगढ़ का दर्शन। भारत का हृदय स्थल छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक संपदाओं और लोक संस्कृति से समृद्ध है। धान का कटोरा कहे जाने वाले इस अंचल की चेतना विकासोन्मुखी रही है। आर्य और अनार्य संस्कृतियों का संगम स्थल होने के कारण इस क्षेत्र की ऐतिहासिक गरिमा में अभिवृद्धि होती रही है। तो बच्चों, अभी जिस पैराग्राफ को आपने सुना, आपके लिए बहुत भाषा जो है कठिन महसूस हो रही होगी, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कहाँ बसा हुआ है? भारत के हृदय में। हृदय क्या कहाँ होता है? बीचों बीच, जैसे मानव का हृदय बीचों बीच है, ठीक है, वैसे ही हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो भारत के हृदय स्थल पर है। और क्या है भारत के इस छत्तीसगढ़ में? प्राकृतिक संपदा। संपदा मतलब धन संपदा होते ना, अथा वैभव भंडार भरा रहता है वहां। और लोक संस्कृति है, लोगों की संस्कृति, इन सब से मिलकर के हमारा छत्तीसगढ़ जो है समृद्ध है, मतलब भरा पूरा है। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धान बहुत उगता है, ठीक है, उपजता है। तो धान का कटोरा कहे जाने वाले इस अंचल की चेतना विकासोन्मुख रही है। विकासोन्मुखी का क्या मतलब होता है? विकास धन उन्मुख, दो शब्द है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि विकास, गुण स्वर संधि विकास, धन उन्मुख, विकासोन्मुखी हो गया है। ठीक है, तो विकास को निरंतर क्या है, मतलब विकास को प्राप्त कर रहा है छत्तीसगढ़ जो है, ठीक है, और चेतना रही है, ऐसा कहते हैं। आर्य और अनार्य संस्कृतियों का, आर्य और अनार्य का मतलब क्या है? आपने कभी सुना है शब्द को? कि नया है आपके लिए, बिल्कुल नया होगा बच्चों। तो आर्य और अनार्य ये क्या है? एक तरह से कहूं तो जाति है। आप जानते हैं किसको कहते हैं? आर्य। आर्य जो है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भारत है ना, जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा गया, वैसे ही भारत को पहले आर्यावर्त कहते थे, ठीक है। चूंकि भारत को आर्यावर्त कहते थे, इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को कहा जाता था आर्य। यदि मैं आर्य को सामान्य शब्दों में समझना चाहती हूँ, तो आर्य का मतलब होता है एक आदर्श, मतलब अच्छे गुण वाला, अच्छी चेतना वाला, एक सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति। तो जो भारत में आर्यावर्त में जो लोग रहते थे उस समय, वो बहुत अच्छे सभ्य और सुसंस्कृत थे, इसलिए उस समय लोगों को आर्य कहा जाता रहा है। तो क्या अनार्य मतलब असुसंस्कृत लोग रहे होंगे? बिल्कुल सही। असुसंस्कृत का मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई विशेषताएं, मतलब कुछ गलतियां थी, ये कहा नहीं जा रहा है। जो आर्य नहीं है, विरोधी शब्द है अनार्य, मतलब जो आर्यावर्त के नहीं थे वो अनार्य कहलाए, जो आर्यावर्त के थे वो आर्य, जो नहीं थे अनार्य। तो उनमें वो विशेषताएं नहीं थी जो भारत के लोगों में थी। तो ये अनार्य कौन होंगे? जो लोग भारत में बाहर से आए, ठीक है, फ्रेंच, रज, रशियन, अंग्रेज, ये सब जो बाहर से आते गए हैं वो अनार्य होंगे। आगे बात समझ में, आर्य और अनार्यों के बीच में
तो ये दोनों जो मिले, मतलब एक भारतीय जन समुदाय और एक बाहरी जन समुदाय, जब दो तरह की बिरादरी मिली, दो तरह के लोगों का यहाँ पर रहन सहन हुआ, तो संगम स्थल होने के कारण, संगम मतलब मिलना, स्थल मतलब जगह, तो मिलने के कारण से यहाँ की जो अब वो है गरिमा, जो है गरिमा मतलब उसकी अपनी मर्यादा जो है वो कुछ विशेष रही, मतलब ऐतिहासिक गरिमा जो है हमेशा अपने आप में विकास को प्राप्त करती रही, क्योंकि दो अलग अलग लोग मिल रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे गुलाब का पौधा है, अगर गुलाब की डाली में अगर वो पीले कलर का गुलाब है, अगर उस डाली में आप हरे कलर की गुलाब की डाली को मिला करके उस पौधा को आगे ले जाते हो, तो कोई और रंग का गुलाब वहां निकलेगा, ठीक है, जो और सुंदर दिखेगा, क्योंकि दो रंग को लेकर के वो चला हुआ है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी भारत में भी आर्य और अनार्य संस्कृति के लोग रहे, उसका असर छत्तीसगढ़ पर भी दिखा, और दोनों की बिरादरी के रहने के कारण यहाँ पर हमारी गरिमा में वृद्धि यानी विकास प्राप्त हुई है। ठीक है, बहुमूल्य प्राकृतिक संपदाओं, खनिज पदार्थों और विशिष्ट लोक संस्कृतियों ने इस राज्य को एक विशेष स्थान दे दिया है। छत्तीसगढ़ की कला एवं सांस्कृतिक वैभव की एक संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत निबंध में किया गया है। यहाँ क्या है, प्राकृतिक संपदा कैसी है, बहुमूल्य, मूल्य मतलब कीमती, और बहु यानी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा कीमती है यहाँ की प्राकृतिक संपदा। प्राकृति प्रधान प्रकृति में है ना, तो प्राकृतिक यानी हमारे जो जंगल वगैरह जो है ना, उसमें हमारी जो संपदा जो है भरी पड़ी है, जिसमें खनिज पदार्थ भी हैं और हमारी अपनी लोक संस्कृति है। लोक संस्कृति क्या क्या है हम आगे भी पाठ में पढ़ते चले जाएंगे तब देखेंगे। तो खनिजों के कारण, लोक संस्कृति के कारण हमारे इस प्रदेश को एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है, कला के नजरिए से भी और सांस्कृतिक वैभव के नजरिए से भी। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि हमारी कला कौन कौन सी है और हम कैसे सांस्कृतिक वैभव के मध्य में अपना जीवन यापन करते हैं। अब हम पाठ शुरू करेंगे। ये तो आपका परिचय था, पाठ को देख करके हमने आपके सामने रखा। तो भारत के क्षितिज पर छत्तीसगढ़, धान का कटोरा, दक्षिण पोषण, दंडकारण्य आदि विविध नामों से अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव के साथ जगमगाता रहा है। इस वन शादित क्षेत्र को महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, हसदो इत्यादि नदियां अपनी जलधारा से सिंचित करती हैं। बड़े बड़े शब्द आपको दिख रहे हैं बच्चों, लेकिन घबराने जैसी कहीं कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो महत्वपूर्ण है, उसे मैं आपके सामने रख देती हूँ कि भारत के क्षितिज पर, क्षितिज पर, क्षितिज का मतलब समझते हो क्या है, वह जगह जहां तक मेरी नजरें जा करके समाप्त हो जाती हैं, मतलब ऐसी कोई जगह जब मैं नजर डालती हूँ दूर तक मेरी नजरें जाती है, लेकिन एक वो जगह भी आती है, अब उस जगह को आगे और पार नहीं कर सकती मेरी नजरें, वो क्षितिज है। और उस जगह और क्या दिखता है, जहां धरती और आसमान दोनों मिल गए हैं ऐसा लगता है, ऊपर आसमान दिखता है, नीचे जमीन दिखता है, और दोनों जमीन दिखती है और दोनों ऐसा लगता है कि आपस में मिल गए हैं, तो मिला हुआ जो है वो नजर आता है, उस जगह को हम कहते हैं क्षितिज। तो भारत के क्षितिज पर जहां तक आप नजर डालते हैं कुल मिलाकर के, वहां तक छत्तीसगढ़ जो है वो किस किस नाम से जाना जाता है, धान का कटोरा कहते हैं हम उसको, दक्षिण कौशल कहते हैं हम, दंडकारण कहते हैं हम, यानी विविध प्रकार के नाम से हम जानते हैं। और इस छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक यानी इतिहास में एवं सांस्कृतिक यानी संस्कृति संबंधी दोनों ही तरह से हमारा जो गौरव है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी मर्यादा जो है, यश जो है वो जगमगा रहा है। और वनाच्छादित क्षेत्र को वन धन आच्छादित, दो शब्द मिला हुआ है, वन में न में अ और आच्छादित का आ दोनों मिलकर हो गया वन आच्छादित, यहाँ पर आपका दीर्घ स्वर संधि। तो इस वन आच्छादित क्षेत्र को महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, हसदो इत्यादि नदियां आपकी जलधारा से सिंचित करती हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर में महानदी बहती है, इंद्रावती नदी है, शिवनाथ नदी है, हसदो नदी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं जो अपनी जलधारा से छत्तीसगढ़ के जमीन को यानी पृथ्वी को यानी कि धरती को सिंचित करती हैं अपनी जलधारा से।
एक नवंबर सन 2000 को एक पूर्ण नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया छत्तीसगढ़ आज विकास की ओर अग्रसर है। 135,191 वर्ग किलोमीटर में फैले इस राज्य की सीमाएं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से मिलती है। हमने चित्र में आपको दिखा दिया है छत्तीसगढ़ का नक्शा और नक्शे में चारों तरफ हमने बता दिया है कि कौन कौन सा प्रदेश उसको छू रहा है। ठीक है, तो आप उसको फिर से ध्यान से देखिए क्योंकि कभी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 2,07,95,956 एवं साक्षरता का प्रतिशत 65.18 है। इस पैराग्राफ में क्या बता दिया कि छत्तीसगढ़ अस्तित्व में कब आया, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई मतलब जो वर्ग किलोमीटर में फैला बोल रहे हैं तो कितनी सीमा में ये सिमटा हुआ छत्तीसगढ़, ये बता दिया गया। दूसरी बात ये भी बता दिया गया है कि छत्तीसगढ़ को किन किन राज्यों ने अपने घेरे में लिया हुआ है और एक आखिरी बात बता दीजिए कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है और साक्षरता का प्रतिशत कितना है। ठीक, छत्तीसगढ़ की गौरवशाली और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रीय राजवंशों की कला और संस्कृति से जुड़ी हुई है। कल्चुरीकालीन भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का प्रभाव यहाँ के सांस्कृतिक व सामाजिक जनजीवन पर दिखाई पड़ता है। यानी छत्तीसगढ़ की समृद्ध और सांस्कृतिक परंपरा जो है यानी गौरवशाली है और ये क्या है, इस सांस्कृतिक विरासत में क्षेत्रीय राजवंशों की कला संस्कृति, क्षेत्रीय राजवंश मतलब जिन जिन क्षेत्रों में जो हमारे राजवंश थे कौन कौन से थे आपको पता नहीं होगा, मैं बताती हूँ। वाकाटक से लेकर के पांडुवंश, कलचुरी वंश, नल वंश, सर्वपुरी, इस प्रकार बहुत सारे वंश बच्चों छत्तीसगढ़ में रहे हैं। छत्तीसगढ़ नाम ही है ना, तो छत्तीसगढ़ तो रहा ही है और रहा है तो यहाँ पर राजा भी रहे होंगे कहना चाहिए, तो विभिन्न प्रकार के वंशावली यहाँ पर रही है। तो राजवंशों की कला मतलब हर राजा के यहाँ एक अलग कला हुआ करती थी और उनकी अपनी एक संस्कृति अलग होती थी, तो इसका प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ पे सभी तरफ आपको दिखाई पड़ता है। कल्चुरीकालीन भारत की कल्चुरी जो है बिलासपुर में हुआ करते थे, उस क्षेत्र में होते थे, तो कल्चुरीकालीन भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा का प्रभाव यहाँ के सांस्कृतिक और सामाजिक जनजीवन पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। सांस्कृतिक और सामाजिक में सामाजिक जीवन जहाँ हम रहते उठते बैठते खाते पीते जो है ना वो हमारा समाज है। ठीक है, और सांस्कृतिक जहाँ हमारे नृत्य, गीत, लेख ये सारी जो चीजें होती हैं वो सांस्कृतिक होती हैं। ठीक है, लोक व्यवहार, आचार विचार, तो कल्चुरी यहाँ पर रहे हैं इसलिए कल्चुरियों का ज्यादा प्रभाव जो है छत्तीसगढ़ पे आपको स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा, इन्हें दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, प्राचीन काल से ही छत्तीसगढ़ धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। अंबिकापुर का मैनपाट जिसे छत्तीसगढ़ का पचमढ़ी कहा जाता है, बिलासपुर रतनपुर का महामाया देवी मंदिर, जांजगीर श्री नारायण का लक्ष्मी नारायण मंदिर और राजनांदगांव डोंगरगढ़ का बम्बलेश्वरी देवी का मंदिर प्राचीन काल से आस्था और संस्कृति के केंद्र रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कल्चुरियों का प्रभाव तो रहा ही रहा है, इसके अलावा पुराने समय से लेकर के हमारे यहाँ इतनी सारी मतलब इतने सारे मंदिर हैं कहना चाहिए और इन मंदिरों में हमारे लोगों का आना जाना लगातार रहा है क्योंकि लोगों के मन में धार्मिकता का असर है यानी प्रभाव है और इसी चीज को हम पाते हैं अंबिकापुर का मैनपाट। अंबिकापुर में मैनपाट एक जगह है जिसे छत्तीसगढ़ का पचमढ़ी कहा जाता है। बच्चों कभी अवसर आपको मिलता है आप बिल्कुल वहां पर जाइए, आप देख पाएंगे कितनी खूबसूरत सी जगह है, बहुत शानदार है। ठीक है, उसी अंबिकापुर में आप आगे और चले जाते हैं तिब्बती लोगों के रहने की जगह है मैनपाट से आगे जाने पर, इसलिए कहा गया है कि धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की धार्मिक गतिविधियां हुआ करती थी। तो चाहे वो अंबिकापुर हो, चाहे वो रतनपुर हो, चाहे वो जांजगीर हो, चाहे वो राजनांदगांव हो, इन सभी जगह पर एक से एक मंदिर है और इन मंदिरों में हमारे लोग जो है इन्हें धार्मिक भावना से ओतप्रोत रहने वाले लोग इन मंदिरों में जाते हैं और जाकर के अपनी पूजा उपासना करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों की विशेषता यह है कि लोगों के अंदर में धार्मिक आस्था हमेशा से बनी रही है क्योंकि धार्मिक आस्था के सारे हमारे केंद्र हैं।
यहाँ के लोगों के धर्म में अटूट आस्था है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। शिव, विष्णु, दुर्गा आदि देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ विद्यमान हैं। वैष्णव, शैव, शक्ति तथा विविध पंथों के धर्मावलंबियों की यहाँ प्रमुखता है। अब इस पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहे हैं लेखक मंडल कि जिस तरह से हमारे विभिन्न प्रकार के मंदिर आपने अलग अलग दिशा में देखा, आपने देखा अंबिकापुर में मैनपाट के तरफ में, फिर आपने देखा जांजगीर में मंदिर है, फिर आपने देखा श्रीनारायण मंदिर है, आपने देखा रतनपुर में मंदिर है, आपने देखा राजनांदगांव बम्बेश्वरी डोंगरगढ़ का मंदिर है। आप अगर इसमें नहीं है लेकिन आप धमतरी जाते हैं, आप जगदलपुर जाते हैं, सभी तरफ मंदिर है। तो सभी कोने में मंदिर है, यानी सभी दिशाओं में मंदिर है, क्योंकि सभी तरह लोग हैं, सभी जो है धर्म को मानने वाले हैं। यहाँ के लोगों की धर्म में अटूट आस्था है, मतलब यहाँ जो लोग निवास करते हैं उनकी आस्था, आस्था मतलब विश्वास किसमें है, धर्म में है। कैसा है? अटूट है। अटूट किसे तोड़ा नहीं जा सकता, टूट यानी टूटना, अटूट यानी नहीं टूटना, मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो इतने अधिक धार्मिक हैं कि इनकी धार्मिक आस्था को यानी विश्वास को आप तोड़ नहीं सकते। और यहाँ पर इसी धार्मिकता के चलते भी तरह तरह के संप्रदाय के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। शिव की, विष्णु जी की, दुर्गा की, सभी देवी देवताओं के मंदिर यहाँ विद्यमान हैं। आप जहां भी जाएंगे अलग 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 मंदिर आपको दिखेंगे। आप बिलासपुर चले जाएंगे कुछ और दिखेंगे, रतनपुर में जाएंगे तो देवी जी के मंदिर, डोंगरगढ़ में देवी जी के मंदिर, जगदलपुर में देवी जी के मंदिर, लेकिन आप जांजगीर चले जाते हैं तो विष्णु मंदिर। इस प्रकार से अलग अलग मंदिर में अलग अलग देवी देवता जो है वो विद्यमान आपको दिखेंगे। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वैष्णव, शैव, शक्ति तथा विविध पंथों के धर्मावलंबियों की प्रमुखता है। वैष्णव मतलब विष्णु को मानने वाले कहलाते हैं वैष्णव। शैव मतलब शिव जी की उपासना करने वाले कहलाते हैं शैव। शक्ति मतलब दुर्गा माता को शक्ति का अवतार मानते हैं ना, तो शक्ति की उपासना करने वाले शाक्त कहे जाते हैं, शक्ति कहे जाते हैं। इस प्रकार से तीनों तरह के लोग हैं, मतलब कौन है, विष्णु को मानने वाले, शिव को मानने वाले, शक्ति रूपी दुर्गा को मानने वाले, और फिर विविध पंथों के धर्मावलंबी। अब विविध पंथ आ गया, पंथ का मतलब क्या है, रास्ता। तो विविध रास्तों से चलने वाले धर्मावलंबियों, धर्मावलंबी का मतलब क्या हुआ, धर्म धर्म अवलंबी, ठीक है, बहुवचन। तो धर्म मतलब धर्म और अवलंबी मतलब उस पर आश्रित रहने वाला। तो विविध पंथ से चल करके धर्म को मानने वाले लोगों की प्रमुखता है। विविध पंथ मतलब क्या हो गया, जो ऊपर बताया गया ना, क्या हिंदू भी है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी मानते हैं, सभी के अंदर में धार्मिकता है, सभी के अंदर में धर्म के प्रति विश्वास है, लेकिन बच्चों रास्ता सबका अलग अलग है। जैसे मुस्लिम संप्रदाय को देखेंगे तो अल्लाह को मानते हैं, वो उनके लिए ईश्वर है, वो उनका रास्ता अलग है, रोजा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, वो उनका अपना रास्ता है, ठीक है। सिख है, गुरुद्वारा में जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह वगैरह जी को मानते हैं, उन लोग अपना चमट लाते हैं, उनके यहाँ गुरु नानक जयंती वगैरह मनाते हैं, और वो भी अपने ढंग से अपने ईश्वर की पूजा उपासना करते हैं। ईसाई के अंदर आप चलता देखते हैं तो आप पाते हैं यीशु मसीह को मानने वाले हैं, और हिंदू के पास तो इतने सारे देवी देवता है ही है। तो सभी जो है एक ही लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते सभी के क्या हैं, अलग अलग हैं। इसलिए कह रहे हैं विविध पंथों के, मतलब अलग अलग रास्ते से। यानी मैं दूसरे तरफ से आपको समझा सकती हूँ कि मान ले जाए अभी मैं रायपुर में बैठी हूँ और मुझे बिलासपुर जाना है, कोई जरूरी नहीं है कि बिलासपुर के लिए मैं एक ही रास्ते से होकर के जाऊँ, या चलिए मुझे भोपाल जाना है, कोई जरूरी नहीं कि मैं बिलासपुर होके भोपाल जाऊँ, मैं दुर्ग होके भी भोपाल जा सकती हूँ, मैं बिलासपुर होके भी भोपाल जा सकती हूँ, दोनों तरफ से जा सकती हूँ, हो सकता है बीचों बीच कोई और रास्ता मुझको मिल जाता वहां से भी जा सकती हूँ। तो जाना कहाँ है, जाना मुझे है भोपाल, लेकिन रास्ता मैं कोई भी चुन सकती हूँ, यही बात है पंथ। तो कोई व्यक्ति किसी भी रास्ते को चुन करके किसी भी जगह तक पहुंच सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर विविध पंथ को मानने वाले लोग अपने अपने इच्छित रास्ते के माध्यम से उस लक्ष्य की ओर गमन करते हैं, यानी कि जाते हैं। आपने ये सब देखा भी कि किस तरह से, मतलब रास्ते में हम जाएंगे
कैसे हमारे धार्मिक स्थल होते हैं, सारे चित्रों के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। आप तो नहीं गए होंगे मैन पार्ट, लेकिन मैंने एक रास्ता बता दिया है, उसको देखिएगा ताकि आपके मन में उसे देखने की बलवती इच्छा हो जाए। ठीक है, कबीर पंथ को अपनाने वाले कबीर पंथी कहलाए। रायपुर जिले के दामाखेड़ा एवं कबीर धाम ग्राम में कबीर पंथियों की प्रसिद्ध गद्दी है। दामाखेड़ा कबीर पंथ अनुयायियों को विशेष प्रकार के शिक्षा संस्कार देने का केंद्र है। अब थोड़ा हम अलग और चलते हैं कि कबीर पंथ को रास्ता फिर से है ना अपनाने वाले कबीर पंथी कहलाए, यानी कबीर जी जिस रास्ते पर चले उस रास्ते को अपनाने वाले कबीर पंथी कहलाए। और ये कबीर पंथी कहाँ है, रायपुर जिले के दामाखेड़ा में है, जो कबीर धाम नाम का गांव है वहां पर ये रहते हैं। इनकी यानी कबीर पंथियों की प्रसिद्ध गद्दी है। गद्दी है का मतलब क्या है, घर के सोने वाली गद्दी है क्या, गद्दा होता है ना घर में, गद्दा, गद्दा से गद्दी। यहाँ पर क्या है, जैसे आप सुनते ना राजा के लिए राज सिंहासन, राजा के लिए सुनते ना आप राज गद्दी, वैसे ही है यहाँ पे कि कबीर पंथियों की प्रसिद्ध गद्दी है। मतलब कबीर पंथी लोग जो है किसी एक व्यक्ति को विशेष मानकर चलते हैं, मुखिया जैसे, जो उसके नहीं होने के बाद किसी दूसरे को चुनते हैं और फिर वहां उस गद्दी पर उसको बिठाते हैं। मतलब हर वक्त हर समय एक व्यक्ति उस गद्दी का हकदार हुआ करता है जो पूरे अपने पंथ के लोगों को निर्देश देते हैं। जैसे राजा राजगद्दी पर बैठते हैं तो पूरी जनता की खोज खबर को रखते हैं, ठीक वैसे ही कबीर पंथियों की भी एक गद्दी है जिसमें एक व्यक्ति आसीत यानी आसन पर होता है। दामाखेड़ा कबीर पंथ अनुयायियों का विशेष प्रकार से यानी शिक्षा के और संस्कार के केंद्र है। दामाखेड़ा नाम की एक जगह है जो आपके बेलगा बाजार जिले में है कहना चाहिए, वहां पर कबीर पंथ के अनुयायियों अनुयायियों अनुयायी मतलब किसी चीज को मानना, अनु यानी पीछे और यायी यायियों अनुयायियों मतलब किसी धर्म संस्कार या किसी भी चीज को मानने वाला कहलाता है अनुयायी। तो वहां पर विशेष प्रकार की शिक्षा का केंद्र भी लोगों ने बना के रखे हैं जहां पर लोग आज शिक्षा प्राप्त करते हैं। मटका प्रधान गुरु और आचार्य होता है। मठ की व्यवस्था के लिए दीवान कोठारी भंडारी पुजारी होते हैं। कबीर पंथी आंतरिक शुद्धता पवित्रता सदाचरण को महत्व देते हैं। इस पंथ में गुरु का विशेष स्थान रहता है। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हैं कि वहां का जो मठ है यानी कबीर पंथ में जो मठ होता है उस मठ के मुखिया को जो गद्दी में बैठता है मैंने बताया ना उसका प्रधान या तो गुरु होता है या फिर आचार्य होता है। ठीक है, मठ की व्यवस्था के लिए, अब मठ है तो वो तो गद्दी में बैठ गए, अब पूरे मठ की व्यवस्था कौन करेगा। मठ की व्यवस्था के अंतर्गत जितने मंदिर है मंदिर के रखरखाव जो चढ़ावा चढ़ेगा उसको देखना, भजन कीर्तन करवाना, लोगों को बुलवाना, कभी लंगर वगैरह करवाना, कभी कीर्तन प्रवचन करवाना, ये सारे काम मठ में चलते रहते हैं बच्चों। तो ये सारी व्यवस्था कोई ना कोई देखेगा तब बात बनेगी ना। तो मठ की व्यवस्था करने के लिए कई प्रकार के लोग वहां पर होते हैं, जैसे दीवान है कोठारी है भंडारी है पुजारी है। पुजारी का क्या काम होगा, उस मठ में मंदिर में केवल पूजा करना मंदिर में। ठीक है, भंडारी जो है वो भंडार गृह को देखता रहेगा। दीवान जो है वो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को चुप चौबंद को देखता रहता है। और कोठारी जो है वो भी उससे लगा हुआ है जो उनको साथ देता है। कबीर पंथी जो है आंतरिक शुद्धता पवित्रता और सदाचरण को महत्व देते हैं। इन्हें कबीर पंथी जो लोग होते हैं उनकी विशेषता बताई जा रही है इस पैराग्राफ में कि ये जो होते हैं आंतरिक शुद्धता। आंतरिक मतलब ये मेरा बाह्य शरीर है, बाहर का शरीर दिख रहा है और ये बाहर का वातावरण है, बाहर क्या हो रहा है ये नहीं देख करके कबीर पंथी अंदर शरीर के अंदर को, तो अंदर को क्या, अंदर में क्या है मेरा मन है। ठीक है, उस मन की शुद्धता पर विश्वास रखते हैं बच्चों। क्या मतलब हुआ यहाँ पर, जैसे आपने वो कविता सुनी है माला फेर जो गया गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का मन का फेर। मतलब माला लोग हाथ से ऐसे 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 घुमाते हैं ना एक फेर को, ये वाह्य है, इसको आडंबर तो मैं नहीं कह सकती अपनी भाषा में, लेकिन हाँ एक तरह से वो काम में बैठे हैं दुनिया के काम छोड़ करके माला घुमा रहे। माला घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जीवन में, यदि आपके अंदर कोई मैल है तो। इसलिए मन को पवित्र रखो, मानव मात्र पर आप विश्वास रखो, उनको सहयोग करो,
उनमें दया रखो, उनके लिए सहानुभूति रखो, आप उनके लिए दया के लिए कभी झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, इस प्रकार की जो बात होती है मन में है तो ये आंतरिक शुद्धता पर बल देते हैं और पवित्र होना चाहिए, यानी आचरण जो है सदाचरण होनी चाहिए, सतधन आचरण, सच्चाई का आचरण होना चाहिए, दिखावे करने चाहिए, ठीक है। तो आचरण में सदाचरण होना चाहिए और पवित्रता होनी चाहिए। मैं पवित्र रहूं, पवित्र का मतलब क्या है? शुचिता से है, शुद्धता से है, लोग पवित्र नहीं होते हैं, ठीक है। कहने के लिए वैसे दिखते हैं लेकिन ये केवल दिखाने वाली बात हो जाती है। तो मानव मन यदि शुद्ध है तो पवित्रता वैसे ही आपके अंदर में आएगी और सदाचरण के तहत आप चलते रहेंगे और इस प्रकार से कबीरपंथियों में तीन विशेषताओं के लिए वो जाने जाते हैं कबीरपंथी, कि आंतरिक शुद्धता, पवित्रता और सदाचरण, और इस पंथ में गुरु को बहुत महत्व दिया जाता है। बच्चों तो आपने देखा कि कबीर पंथ को और कबीर पंथ की विशेषताओं को, ठीक है। कबीर पंथ की तरह ही एक और पंथ का विकास हुआ छत्तीसगढ़ में, इसे सतनाम पंथ कहा जाता है, ठीक है। सतनाम पंथ सत्य और पवित्रता को महत्व देता है। सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी माने जाते हैं, ठीक है। मतलब दो पंथ हो गया, एक कबीरदास जी वाली यानी कबीर पंथी और दूसरा है सतनाम पंथी। तो सतनाम पंथ जैसा आप नाम से समझ रहे होंगे, सत्य यानी सच्चा और सतनाम यानी वही ईश्वर और पंथ यानी रास्ता, यानी रास्ता। तो सतनाम पंथ को मानने वाले या उस राह पर चलने वाले जो है वो सतनाम पंथी कहलाए, और इसके जो मूल हुए यानी जो गुरु हुए कहना चाहिए वो है घासीदास जी। घासीदास जी को बच्चों हम छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा मानते भी हैं और उनके बारे में जानते भी हैं। आप छुट्टी बनाते हो ना घासीदास जी के बारे में, हमारे शासन के द्वारा भी हमको घासीदास जी के लिए एक दिवस घोषित किया गया ना अवकाश के लिए। तो इसलिए मैं एक जानती हूँ कि आप सभी घासीदास जी के बारे में जानकारी रखते हैं। घासीदास जी का जन्म गिरौदपुरी है, यानी जिनकी जन्मभूमि अगर लिखा हुआ पढ़ेंगे तो, कि जिनकी जन्मभूमि एवं तपोभूमि गिरौदपुरी ग्राम है। कहने का आशय क्या हुआ कि घासीदास जी का जन्म जो है, जन्मभूमि जन्म लेने वाली स्थान और तपोभूमि जहाँ पर वह उन्होंने तपस्या किया है, ठीक है, तो दोनों ही गिरौदपुरी ग्राम है। इन्होंने भी कबीर की तरह मूर्ति पूजा, जाति प्रथा का विरोध किया। इस पंथ के प्रमुख सिद्धांतों में सतनाम पर विश्वास, मूर्ति पूजा का खंडन, जाति भेद का बहिष्कार, मांस मदिरा का निषेध विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इस पंथ ने बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर के आगे बढ़े हैं, ठीक है। यानी घासीदास जी का नाम जो हम लेते हैं यूँ नहीं लेते हैं, उनका महत्व है हमारे जीवन में, हमारे छत्तीसगढ़ में। इन्होंने दो बातें कही है, एक तो मूर्ति पूजा का खंडन और जाति प्रथा का विरोध। कबीरदास जी ने भी कहा था, कबीरदास जी ने कहा था कि आपको पूजा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ मिलेगा नहीं, आप पूजा छोड़ दीजिए बल्कि मानव मात्र की सेवा करिए। दादू दयाल ने भी यही बात कही है, हमारे संत घासीदास जी भी यही बात कह रहे हैं। और चूंकि मूर्ति पूजा का ये खंडन करते हैं तो जाहिर सी बात है जो मानव जाति में जो जाति के कारण जो भेद उत्पन्न हो गया है उस प्रथा का भी विरोध इन्होंने किया है। क्यों किया है? क्योंकि हर इंसान इंसान है, मानव मात्र है, मानव जाति है, फिर हम एक दूसरे को कुर्मी, साहू, ये वो इस तरह हम क्यों कहें? ये केवल नाम के लिए है, एक पहचान के लिए है, बनाए गए हैं, लेकिन हमें भेद नहीं करना चाहिए। तो इस पंथ ने, यानी कौन से पंथ ने, सतनाम पंथ ने एक सिद्धांत बनाया जिसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखा, जिसमें पहला है सतनाम पर विश्वास। सतनाम यानी सत्य के नाम, उस गुरु पर विश्वास करो, पहली बात। दूसरी, मूर्ति पूजा का खंडन। मूर्ति पूजा का खंडन करना कैसे होगा कि जैसे आप मंदिर मस्जिद जाते हैं वहाँ मूर्ति रखी रहती है, ठीक है, चाहे वो आप शीतला मंदिर में जाएं, चाहे आप महामाया मंदिर में जाएं, चाहे आप कोई मंदिर में जाते हैं, या तो शिव जी दिखते हैं या फिर विष्णु जी दिखते हैं या फिर कृष्ण बलराम दिखते हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं? मूर्ति हैं, या तो बहुत सुंदर बनाए गए या पत्थर के उकेरे गए। इन्हीं की पूजा हम करते हैं ना भगवान मान करके, नहीं मानो जैसे कोई बात नहीं है,
आप मानिए, लेकिन उससे उसका क्या फायदा है यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो इस मूर्ति की पूजा करने के बजाय इन धर्म वालों ने ये कहा है कि मानव मात्र की चिंता करिए, पूजा करिए, ये उन्होंने कहा है। पूजा से इनका विरोध नहीं है, समझ रहे हैं, लेकिन अपना समय एक सार्थकता में गुजारो, ये उन्होंने कहा। और जाति भेद का बहिष्कार किया, यानी जाति जाति में जो भेद बन गया ना कि इनका खान पान अलग, उनका खान पान अलग, ये उस बिरादरी का, ये छुएगा नहीं, मैं खाऊंगी नहीं, ये थाली में नहीं खाएगा, उस प्लेट को मुझे धोना है, ये इस प्रकार की जो बातें हमारे अंदर जो आ गई थी, उन चीज़ों का इनने विरोध किया है। जाति भेद, जाति जाति के अंतर्गत जो भेद कायम कर दिया गया उसका इन्होंने बहिष्कार किया, यानी इसको दूर करो, उन्होंने कहा। और चौथी बात, मांस मदिरा का निषेध किया, यानी मांस मत खाओ, क्योंकि मांस खाने वाला फिर किसी भी मांस को खाएगा ना, सीधी सी बात है, जब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। आपने सुना है बच्चों, लोग क्या करते हैं, चीतल को मार के खा जाते हैं, लोग चिड़िया को मार के खा जाते हैं, मछली खाते हैं, बकरा खाते हैं, ठीक है, तो सांप को भी खाते हैं खाने वाले, जिसको मांस जिसको प्रिय वो कुछ भी खाएगा। तो इस तरह से दूसरे जीव की हत्या कर रहे हैं ना बच्चों, ये गलत बात तो है ना, कि आप अपने भूख शांत करने के लिए या आप अपनी इच्छा के लिए किसी दूसरे की जान आप लें, क्या अर्थ निकलता है, क्योंकि जान उसके अंदर है, जान मेरे अंदर है। इसलिए उन्होंने कहा मांस नहीं खाने चाहिए, और उसी के साथ साथ मदिरा का निषेध करना चाहिए। मदिरा, मद्य, मद्य ने शराब को कहा जाता है, ये तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। बच्चों आपने देखे होंगे, आप जहाँ कहीं भी होते होंगे, शहर हैं, बड़े बड़े दुकान आपको दिखते हैं, दुकान में बहुत भीड़ लगी रहती है, ठीक है, गाँव आप देखते हैं, वहाँ भी लोग होते हैं, और जब लोग मदिरा का सेवन कर लेते हैं अपने आप में नहीं रहते हैं। बच्चों जो घर में या जिस घर में मदिरा का सेवन करने वाले लोग होते हैं, उस घर में शांति कभी कायम नहीं हो सकती है। वो लोग अपने बच्चों तक को खाने पीने के लिए नहीं देते हैं, केवल उन्हें आदत पड़ जाती है मदिरा सेवन की, सारा पैसा उसी में नष्ट कर देते हैं, घर की परवरिश सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, घर में अराजकता छा जाती है, अशांति हो जाती है, शांति नष्ट हो जाता है। इसलिए इन्होंने, यानी गुरु घासीदास जी ने या इस पंथ के मानने वालों ने कहा कि मांस मदिरा का हमेशा निषेध करो। निषेध मतलब मना करना, उन्होंने मना किया। तो चार बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रह गई, सतनाम पर विश्वास करो, उस परमपिता परमात्मा पर, मूर्ति पूजा का विरोध करो, यानी ये करना नहीं चाहिए कहा, जाति जाति में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, तुम हो, मैं हूँ, हम दोनों मानव हैं, मानव मात्र की बात करो, ये उन्होंने कही, और मांस और मदिरा दोनों का उन्होंने निषेध बताया। ठीक है, आ रही ना बात समझ में। छत्तीसगढ़, अब हम देखेंगे यहाँ पर पूजा पाठ के बाद में हम लोक कला की तरफ चलते हैं बच्चों। छत्तीसगढ़ लोक कला और संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध रहा है, यहाँ का लोक जीवन उसकी संस्कृति में ही थिरकता है। यहाँ की लोक संगीत संस्कृति में संगीत के साथ साथ लोक गीतों और लोक नृत्यों का भी काफ़ी महत्व है। लोक गीतों की कुछ झलक निम्नलिखित पंक्तियों में परिलक्षित हो रही हैं। अब क्या कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोग यानी लोग, कला यानी मेरी अपनी कोई विशेषता। तो हमारी जो लोक कला है, यानी मेरी कला, आपकी कला, हम दोनों लोक हैं, संसार के रहने वाले हैं, तो हम दोनों की कला लोक कला, हम सबकी कला लोक कला, और हमारी संस्कृति लोक संस्कृति। तो लोक कला और लोक संस्कृति जो है वो बहुत ही समृद्ध है यहाँ पर। क्यों समृद्ध है? यहाँ का लोक जीवन उसकी संस्कृति में थिरकता है, कि मतलब जो छत्तीसगढ़ के रहने वालों का जो जीवन है, कहना चाहिए बच्चों, वो उसकी संस्कृति में, मतलब उसके आचार विचार रहन सहन में थिरकता है। जैसे लोग खेत में जाते हैं, खेत में काम करते करते गुनगुनाते हैं, गाते हैं, घर में काम करने वाली महिला गुनगुनाती है, गाती है, धान काटने वाला गुनगुनाते हैं, गाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, गुनगुनाते हैं, गाते हैं, मतलब हर वो जगह है जहाँ लोग गाते हुए काम करते हैं। जानते हो, गीत संगीत से थकान नहीं होती है जीवन में। तो यही चीज़ यहाँ लोगों ने अपनाया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत मेहनती हैं बच्चों, और चूंकि मेहनत करते हैं तो मेहनत करते करते ये गीत भी गाते हैं, और गीत गाते हैं इसलिए इनके संस्कृति में रच बस गया है। ठीक है, तो यहाँ की लोक संस्कृति में संगीत के साथ साथ लोक गीत और लोक नृत्य का भी काफ़ी महत्व है। यानी संगीत के अंतर्गत क्या है, लोक गीत है और लोक नृत्य है। संगीत पूरा एक प्रमुख चीज है, मुख्य है, ठीक है, और उसी संगीत में, संगीत को आप अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन संगीत के अंदर में जा रहा है वो आपका लोकगीत है। लोकगीत में क्या हो जाएगा कि अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग गीत गाएंगे,
जैसे बस्तर में है तो बस्तर में रिलो हो रिलो करके गा सकते हैं, सरगुजा का क्षेत्र है पीछे तो वो अलग गीत गा सकते हैं, यहाँ कोई रहने वाला है छत्तीसगढ़ में रायपुर दुर्ग बिलासपुर में तो अलग ढंग से गीत गाएंगे, क्योंकि बोली सबकी अलग अलग है ना बच्चों, ठीक है। तो गीत भी सभी दिशा की अलग अलग होगी अपनी भाषा बोली में। तो लोक गीतों और लोक नृत्यों का, अब गीत अलग है तो नाचने का तरीका भी अलग होगा, क्योंकि पहनने ओढ़ने का तरीका अलग अलग है। तो छत्तीसगढ़ में संगीत के साथ साथ हमारी लोक गीत अलग अलग है और हमारे लोक नृत्य अलग अलग हैं, और सभी तरफ के लोक गीतों का नृत्यों का बहुत महत्व है। इस प्रकार से हमें देखते हैं कि लोक गीतों की झलक कहीं भी आपको दिखाई पड़ेंगे। मैंने बताया था ना कि पल पल में हम गाते हुए काम करते हैं, एक एक काम में हमारे गीत होंगे, कैसे होंगे हम आगे देखते हैं। देखिए एक सुंदर सी झलक एक गीत की। ददा मोर कही थे कुआं में धस जाहूं, बाबा कथे लेते हूं बैराग। बच्चों मैं गा नहीं सकती ना, ध्यान रखना, ठीक है। काबर ददा तैं कुआं में धस जाबे, काबर बाबा ते लेबे बैराग, बालक सुवना कस तुहर दुलौरिन झटकुन लेहू बुलाए। देखिए इस गीत में वो भाव है, बड़ी मार्मिकता भी है देखा जाए तो। क्या है ये? आपस की बातचीत है जिसको गीत में पिरोया गया है। लोकगीत है ना ये, छत्तीसगढ़ी में दिख रहा है ना। क्या कह रहे हैं कि घर की कन्या यानी लड़की, भाई लड़की जब बड़ी हो जाती है तो आपको तो पता है उसकी शादी कर देते हैं, और शादी करते तो क्या करते हैं, उनको उसके ससुराल भेज देते हैं, ठीक है। एक लड़की यहाँ ससुराल गई है, यानी पिता ने बाबा ने उसे ससुराल भेज दिया है। लेकिन भेजने के बाद अब आप बच्चों थोड़ा सा सोचो कि जिस बच्ची को पैदा होने के बाद से साथ साथ इतने साल तक 15, 17, 18 जो भी साल होंगे उतने साल तक माँ बाप ने अपने साथ उसकी परवरिश की, और उसके बाद उसे कहीं भेजते हैं तो कैसा लगता होगा उसके बिना, वह घर सुना हो जाता होगा ना, क्योंकि बात बात में लड़कियों को एक गिलास पानी दे, फलाना रख दे, चादर को रख दे, उसको उठा दे, इसको कर दे, ये कर ले, वो कर ले, लड़कियों को ही तो बोलते हैं, आपको थोड़ी बोलते हैं, लड़कों को कहाँ बोलते हैं, लड़कियों को बोलते हैं, है ना। तो ये सारे काम लड़कियां की होती हैं। अब वो चली गई ससुराल में तो हर पल याद आएगी ना वो बच्ची। तो उसके जाने के बाद बाबा को, बाबा मतलब समझ रहे हो ना, बाबा जो है मतलब बाबा यानी दादा, और दादा दादा मतलब पिताजी। तो पिताजी को और बाबा को यानी दादा को दोनों को बहुत पीड़ा हो रही है अपनी बच्ची के कारण कि वो जा चुकी है, क्या करें। तो दादाजी कह रहे हैं यानी पिताजी कह रहे हैं कि मैं कुआं में धस जाऊं, यानी लड़की बता रही है कि मेरे पिताजी मोर दादा कही थे, यानी मेरे पिताजी कह रहे हैं कुआं में धस जाऊं, मैं कुआं में जाके धस जाऊंगा, मतलब मैं तुम्हारे बिना ऐसा लग रहा है मैं कुआं में डूब जाऊं। और बाबा कथे लेते हो बैराग, और दादा कहते हैं मैं जंगल चला जाऊंगा तुम्हारे कारण अगर तुम नहीं हो तो। तो लड़की बड़े भावना प्रधान ढंग से कहती है काबर दादा ते कुआं में धस जाबे, यानी हे पिताजी तुम क्यों कुआं में घुसना चाहते हो, और हे बाबा जी हे दादाजी तुम क्यों बैराग लेने की बात करते हो, क्या बीच का रास्ता नहीं निकल सकता। वो कहती हैं बालक सुवना कस तुहर दुलौरिन, यानी मैं तुम्हारी सुंदर प्यारी दुलारी, दुलारी दुलार, दुलार मतलब प्रेम स्नेह, तो जिन पर प्रेम होता है उनको कहते हैं दुलौरिन, छत्तीसगढ़ में दुलौरिन बिटिया बोलते हैं ना, तो मैं तुम्हारी दुलौरिन बिटिया हूँ, और सुंदर प्यारी सी सुवना यानी बालक सुवना, बालिका की तरह रहने वाली, बालक की तरह रहने वाली तुम्हारी दुलौरिन कन्या मैं हूँ, मुझे तुम मेरे ससुराल से जल्दी से बुला लो, झटकुन जल्दी से बुला लो, अब बुलाओगे तो मैं फिर आपके पास आ जाऊँगी, और फिर हम लोग फिर बड़े से लाड़ प्यार से रहेंगे कुछ दिन। तो बीच का रास्ता क्या निकल करके आया कि किसी को बैराग लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे लेने के लिए भेजें मैं आऊँगी, कुछ कुछ दिन फिर आते जाते हम रहें और इस प्रकार से सारी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, यहाँ एक समझ की बात भी की गई है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जनमानस की भाव को भी बताया गया है कि कोई अपनी बच्ची के लिए किस कदर प्रेम से मर्माहत होकर के अपने जीवन को भी नष्ट करने की बात सोचते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में कन्या से कितना प्रेम किया जाता है। बच्चों इस भावना को इस गीत के माध्यम से यानी लोकगीत के माध्यम से लेखक दल ने यहाँ पर रखा है। आल्हा केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं गाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी आल्हा गायन का खूब प्रचलन है। चौमास में यहाँ वहाँ शहरी और ग्रामीण लोग आल्हा गाते दिखाई सुनाई पड़ेंगे। महिलाएं सावन में पेड़ के
नीचे जाकर झूला झूलती हैं, आनंदित होती हैं, ददरिया और भोजली सुनाती हैं। अब एक दूसरी गीत की बात यहाँ पर कह रहे हैं, लोकगीत के अंतर्गत आल्हा जो गीत है वास्तव में ये उत्तर प्रदेश की गीत है, यानी उत्तर प्रदेश में आल्हा गायन की परंपरा है। वो दो लोग रहते हैं और वो एक दूसरा करके गाते हैं। आल्हा मतलब गीत है, आप इतना ध्यान रखें, उसका नाम है, जैसे ददरिया नाम है, सुवा नाम है, वैसे आल्हा नाम है, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश के उस गीत को धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में भी रूपांतरित कर लिया गया है और यहाँ भी अब गाने की खूब प्रचलन है, मतलब प्रथा चल पड़ी है। चौमास में यहाँ वहाँ शहरी और ग्रामीण लोग आल्हा गाते दिखाई और सुनाई पड़ेंगे। चौमास में मतलब चार महीने के बीच में, ठीक है, वो जो अषाढ़ सावन भादो कुंवर जो होता है ना, कार्तिक जो होता है, वहाँ से अषाढ़ से लेकर के कार्तिक तक के जो पूर्णमासी वाला जो समय होता है ना, शुक्ल पक्ष होता है, वहाँ से चीज़ें जो मतलब महीना जो है वो चौमास कहलाता है, ठीक है। तो उसी बीच में ये आल्हा गाते हैं, मतलब एक समय में आल्हा गाया जाता है, एक उसके लिए निर्धारित क्या है, महीना है, उसमें गाते हैं, हर समय नहीं गाते, ध्यान देना, क्योंकि समय समय की बात है, ठीक है। जैसे सुवा जो है, सुवा गीत कब गाते हैं, दशहरा दीपावली के बाद में गाते हैं, पूरे 24 महीने 12 महीने 24 घंटे तो नहीं गाया जाता है ना, वही बात यहाँ बता रहे हैं। महिलाएं सावन में पेड़ के नीचे जाकर झूला झूलती हैं, सावन के महीने में क्या होता है आपका, तीजा पोला ये सारा है ना, भाद्र पक्ष में तीजा है, तो इसमें क्या करते हैं, महिलाएं झूला झूलती हैं, क्यों, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं जो शादीशुदा हैं, जो जा चुकी होती हैं, वो सब अपने मायके आती हैं, मायके आती हैं तो उनको एक जगह मिलना है, मेरे घर से, इसके घर से, उसके घर से, सब लड़कियां निकलती हैं, गांव के बाहर जाती हैं और एक बड़े से झाड़ में मतलब झूला लगाई रहती हैं और वहाँ खूब हंसती गेलती ठिठोली करती हैं, खूब झूला झूलती हैं और आनंदित होती हैं, एक दूसरे के ससुराल की बात बताती हैं। लड़कियाँ ददरिया गाती हैं, भोजली सुनाती हैं, आप भोजली देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे गांव में हम भोजली की प्रथा मनाते हैं, लोग लेकर के जाते हैं, ठंडा करते हैं, हम भोजली भी बधते हैं ना, तो भोजली की गीत भी हो है, भोजली गीत गाते, ठीक ऐसे ददरिया भी गाते, ददरिया दो लोगों में भी होता है, ददरिया 10 लोगों के बीच में भी होता है, तो ददरिया भी एक गीत है और भोजली भी एक गीत है। तो गीत की परंपरा छत्तीसगढ़ में शुरू से प्रचलित है, यहाँ यही बताया गया है। चौमास का अर्थ भी मैंने बता दिया है, पहले बताया, लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। राखी और तीजा के त्यौहार के समय बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए व्याकुल रहती हैं। भाई बहन को संदेश भेजता है कि तुम संशय यानी शंका मत करना, चिंता भी मत करना, मैं तीजा की रोटियां लेकर तुझे लेने आऊँगा। अब देखिए हमारे त्यौहार के बारे में बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में राखी और तीजा भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है लड़कियों के नाम से, ठीक है। जिस लड़की को शादी करके यानी विवाह करके जब भेज दिया जाता है तो उस लड़की को अपने मायके तो आना पड़ेगा, तो कोई तो बहाना चाहिए ना आने के लिए, नहीं तो भेजेंगे नहीं ससुराल वाले। तो प्रकृति ने भी एक सुंदर सा यानी उपहार दे दिया हमको, तीजा और राखी। तो रक्षाबंधन में बहनें भाई की कलाई में राखी बांधेंगी, जो ससुराल जा चुकी हैं कैसे बांधेंगी, तो भाई को जाना पड़ेगा वहाँ तक के, ठीक है। तो राखी के समय में भाई जो है बहन के पास में जाता है और उसी समय से उसको तीजा लेकर के भी आ जाता है, तीजा में भी लेने की परंपरा है। तीजा लेने भी कौन जाता है, भाई ही जाता है। राखी बनवाने कौन जाता है, भाई ही जाता है। तो तीजा में अगर भाई नहीं है तो पिता जाएंगे, पिता नहीं है तो चचेरे माँ मेरे भाई जाएंगे या फिर घर के नौकर चाकर जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई उन्हें लेने के लिए जाएगा ही। तो चूंकि यह प्रथा है कि भाई ही लेने के लिए आएगा, इसलिए बहनें जानती हैं कि मेरा भाई आने वाला है, तो कई दिन से उनके मन में चलता रहता है कि मेरे भाई आएंगे आएंगे नहीं आएंगे, बहुत काम है शायद नहीं आ पाए। तो एक धर्म संकट की स्थिति जो है, कभी कभी शंका भी मतलब होती है कि क्या मालूम ना आए, तो ऐसे सोच रहे होंगे तो भाई बहन को पहले ही संदेश भिजवा देता है कि तुम शंका मत करना, मतलब तुम चिंता मत करना, तुम सोचना मत, जैसे तीजा की रोटियां तैयार होंगी मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा। अब तीजा की रोटी लेकर के जाना, ये हमारी क्या है, संस्कृति है बच्चों, क्योंकि भाई जो है बहन के घर में जाएगा खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ लेके जाना है, पर क्या लेके जाएगा, पहले तो आपका मिल्क केक था नहीं, पहले आपका ये गुजिया वगैरह इस टाइप की नहीं थी कहने जो आज मार्केट में मिलती है, इस तरह के लड्डू नहीं थे कहना चाहिए, गुलाब जामुन और शाही वो नहीं थी क्या, जलेबी वगैरह नहीं थी, तो पहले घर में लोग बनाते थे उन्हीं रोटियों को लेकर के जाते थे, पोला में बनाते हैं ना, ठेठरी खुरमी गुजिया आदि आदि, इन सब चीज़ों को पोटली बांध करके भाई जो है लेकर के अपनी बहन के घर जाता है। यानी हमारा संस्कार है कि हम किसी के घर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना है, यहाँ बताया गया है। तो बहन के पास भाई ने संदेश भेज दिया है कि मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है। इसी को देखो अब फिर वही लोकगीत के माध्यम से हम देखेंगे। पहले कहा गया ना कि छत्तीसगढ़ की जो बातें हैं
वह सभी लोकगीत के माध्यम से व्यक्त होती, मतलब संगीत जो है थिरकता है। विशेषताएं हैं यहाँ की कि हर बात में हम गीत जो है वो ले आते हैं या गीत के माध्यम से अपनी बात को पूरा करते हैं। जिस बात को मैंने समझाया कि भाई संदेशा भेजता है, वही यहाँ पर गीत के माध्यम से है। संसो तय झन करिबे, फिकर तय झन करिबे, तीजा के रोटी धर के तोला लेबर आहूँ वो। भाई कह रहे हैं कि तुम संसो मत करना, तुम फिकर मत करना, है ना, तीजा की रोटी लेकर के मैं तुझे लेने के लिए आऊँगा। तो सामान्य बोलचाल की भाषा भी हमारी गीतों में थिरक रही है, ये हम यहाँ पर पाते हैं। तो बच्चों आज हम इस पाठ में इतना ही देखते हैं। अभी भाई बहन को लेने के लिए जाएगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा, कि कैसे जाएगा, या हमारे पाठ में शेष यानी आगे और किसके बारे में बता रहे हैं हम अगले कालखंड में देख पाएंगे। आज इतना ही बहुत है, वरना आपने जितना सुना है वो पाठ मेरा सपाट हो जाएगा, इसलिए मैं बात बंद करूं। लेकिन अपनी बात ख़त्म करने के पहले मैं आपसे एक दो प्रश्न करना चाहती हूँ, जिसका उत्तर आप दें तो अति उत्तम, नहीं दें तो आप घर में करिएगा। मेरा प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ को और किस किस नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है? कौन बता रहा है? हाँ मोंटू, ओके चलो बढ़िया, बताओ क्या क्या। हाँ ठीक है, दक्षिण कोशल, दंडकारण्य, और हाँ 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 सोनाली कुछ कह रही है धान का कटोरा। ठीक है, धान के कटोरा के नाम से भी हम जानते हैं, पर धान का कटोरा एक तरह से उसकी उपाधि है कि चूंकि धान बहुत होता है इसलिए हम धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है, लेकिन नाम क्या है? कोशल, दक्षिण कोशल, दंडकारण्य, ये सारे जो हैं वो नाम हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, एक प्रश्न और करूँगी मैं, हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा को कौन कौन से राज्य ने छू लिया है या छूता है, क्या कोई बता सकते हैं? भाई मैंने चित्र आपको दिखाया था और चित्र में आपने देखा था, ठीक है, तो कौन कौन से छूते हैं, सीमा को छूने वाले जो राज्य हैं इनके नाम को आप बता सकते हैं? अभी सभी लोग एक एक करके बताएंगे, बता सकते हो? हाँ सभी लोगों का हाथ उठ रहा है, बहुत होशियार हो भाई, मानना पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक, सबके उत्तर सही आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे, आप सभी ने सुना है। चलिए आपने ये बता तो दिया, अब मैं एक गृह कार्य आपको दे दूं कि आप घर में भी थोड़ा सा काम कर लें कि छत्तीसगढ़ को, अभी सोनाली ने कहा ना कि धान का कटोरा भी कहा जाता है, तो धान का कटोरा कहा जाता है ऐसा कहे जाने के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों हमने छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा होगा? आप और अच्छे से सोचिए, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए और पूछ करके उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए सुंदर सुंदर अक्षर से, और फिर अपने गुरुजी को दिखाइए, बताइए, और फिर उस पर आपस में अपने क्लासरूम में आप चर्चा करिए। तो बच्चों अब मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करती हूँ, हम फिर मिलेंगे अगले खंड में जब हम उस पाठ को देखेंगे। तो जितना आपने पढ़ा है उसे एक बार दोहरा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, तब तक के लिए यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, धन्यवाद।